अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस कुछ न्यू अपडेट आए हैं, वो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, एक हमारा तमिलनाडु की तरफ से है, एक हमारा छत्तीसगढ़ की तरफ से आया है, एक रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से आया है। इसमें कुछ बी बी टेक वाले भी है, कुछ आई टी आई वाले भी है, कुछ डिप्लोमा वाले भी है। इन सबके लिए ये तीनों जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो गाइज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एग्जाम फीस, कैसे फॉर्म भरेंगे, ये सब डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए, खासकर हमारे मैकेनिकल के भाइयों के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम बी वी टेक वाले हों, आई टी आई वाले हो, डिप्लोमा एम ई एम टेक जो भी हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे हमेशा मैकेनिकल वाले को जॉब ज्यादा डालने की, और साथ में अगर कोई होता है तो डाल देता है, ठीक है, चलेगा। तो गाइस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अवेयर हो जाए मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहला रिक्रूटमेंट है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो गाइस ये अभी जस्ट आया है, इसका स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट 24 फरवरी को होगा। नोटिफिकेशन अभी आया है तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको इनकी डिटेल्स साइट पे भी मिल जाएगी। गाइस पोस्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है, यार टोटल 600 पोस्ट है गाइस, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सैलरी यहाँ पे 40,000 से आपके जोड़ जाड़ कर 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ दी जाएगी। जॉब लोकेशन कोयम्बटूर, तिरुची और चेन्नई, ये तीन जगह होने वाला है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 24 फरवरी को फॉर्म का लास्ट डेट है, 24 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा। तो गाइस ध्यान देना एक बार, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की जब डेट नजदीक आ जाएगा तो एक शॉर्ट नोटिस में डाल दूंगा ताकि आपको अवेयरनेस इसके बारे में आपको मिल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 364 वो सबसे ज्यादा पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ रहा है। तो गाइस अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आपकी कोई जान पहचान वाले हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की, उनसे वीडियो शेयर कर दो। गाइस हेल्प करो एक दूसरे का तो ही अपना काम बनता है, ठीक है। ऐसे रख कर चुपचाप बैठने से काम नहीं बनेगा, आप ही कोई जान पहचान को इनको शेयर कर दो, क्या पता आपकी एक हेल्प उनके लिए उनकी जिंदगी बदल दे, ठीक है। तो करते रहना चाहिए यार, थोड़ी बहुत मार्केट में थोड़ा करते रहना चाहिए सब चीजें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए देखोगे तो 28 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस आईटी वालों के लिए 8 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 125 पोस्ट, अच्छा है, ठीक है, सिविल के लिए 75 पोस्ट, और ऐसे टोटल 600 पोस्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी बी टेक यहाँ पे मांग रहा है, बी बी टेक तो मांग रहा है, और डिपार्टमेंट आप देख ही चुके हो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो यही सब डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपये हमारे जनरल वालों की फीस वगैरह है, जिसमें हमारे जनरल हो गया ओबीसी का 1,000 के आसपास उनकी फीस रहेगी, और बाकी जो बचे हुए उनके 500 फीस रहेगा। सॉरी गाइस थोड़ा सा ठंड का मौसम है ना, सर्दी वर्दी चक्रा, तो मैं चक्कर में डिटेल में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं सोचा कि ये आया है तो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप बस अवेयर हो जाए। गाइस सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो गाइज आप इसके लिंक वगैरह में दे रखा हूँ, आप क्लिक करके डिटेल वगैरह देख सकते हो। बट गाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जस्ट आया है इनकी वेबसाइट पे, आप कोशिश करना, इनकी वेबसाइट अभी थोड़ी सी नहीं खुल रही है, मैं ट्राई किया था, बट जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसको देख कर आपको मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या कि मुझे भी नोटिफिकेशन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, ट्रांसलेट कर करके मैंने कैसे करके आपके लिए किया, आप भी देखोगे आप भी घबरा, ओ ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो आ गया, ओके ओके आ गया, क्योंकि इस इनका जो नोटिफिकेशन गाइस मेरे पास था वो फुल ऑन तमिल लैंग्वेज में था। नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन मेरे पास आया था वो तमिल लैंग्वेज में आया था, और जस्ट अब देखो ये इंग्लिश में भी आ चुका है, तो आप बकायदा डिटेल वगैरह आप इसको पढ़ लेना। मेरा आवाज भी कुछ खास नहीं है गाइस, पूरा एक बहुत बड़ा ये फॉर्म है, ठीक है, 57 पेज का, तो आराम से बैठ के पढ़ लेना जो भी आपको डिटेल वगैरह लगे और कहीं दिक्कत हो। तो ये देखो ये जो नोटिफिकेशन जो है ना, ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया था, ये सूत्रों से गाइस ऐसे ही नोटिफिकेशन आते हैं,
जब सूत्रों से नोटिफिकेशन आते हैं तो यही सब ऐसे उल्टा सीधे लैंग्वेज में आते हैं, और ये रियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे नोटिफिकेशन की ओर। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन आ रहा था गाइस, वो छत्तीसगढ़ की तरफ से, नेट भी स्लो चल रहा है। तो गाइस दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसके बारे में भी डिटेल में आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आप पढ़ सकते हो, बट एक थोड़ी बहुत हम डिटेल में थोड़ी बहुत जान लें। इसकी भी फॉर्म जो है 10 फरवरी से, काफी दिन बाद होने वाला है, तो मैं एक शॉर्ट नोटिस डाल दूंगा कि इसका फॉर्म ओपन हो गया है, आप जाके भर लें। ये जस्ट एक शॉर्ट नोटिस है, इसकी ऑफिशियल ऑफिशियली एक्चुअली में लॉन्च हो गया। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो आपको ये पूरी डिटेल उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी और क्लोजिंग डेट 10 मार्च है। तो गाइस छत्तीसगढ़, जैसे कि पता है कि ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब रिक्रूट हुआ है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की। तो गाइस अगर आप छत्तीसगढ़ साइड से तो आपको रिजर्वेशन अच्छा खासा मिलने वाला है, बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ वाले, ऑल ओवर इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हो तो एज अ जनरल ही आपको ट्रीट किया जाएगा। आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो और फिर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा, बट छत्तीसगढ़ छोड़कर बाकी बाहर के जो भी लोग अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, उनका उनको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, जनरल के लिए जो फीस है 400 रुपए फीस है, एससी एसटी वालों के लिए 300 रुपए फीस है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल एज लिमिट रखा गया है ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ छोड़ के, और छत्तीसगढ़ से अगर आप हो तो आपकी एज लिमिट 21 से 40 रहेगा। तो ये छत्तीसगढ़ वाले को देखो हर चीज में रिजर्वेशन मिल रहा है। जॉब लोकेशन यहाँ छत्तीसगढ़ रहेगा। एग्जाम सेंटर जो है दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एरिया वाला जितना है ना, वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर भी पड़ेगा। तो इसमें जो पोस्ट है बहुत कम पोस्ट आए हैं, तो मैं सोचा कि ठीक है चलो बना देते हैं। यहाँ पे सिविल वालों के लिए काफी अच्छा है, आप अगर आपके कोई सिविल की फ्रेंड हो तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। वैसे मैकेनिकल के लिए बहुत कम पोस्ट है, बहुत ज्यादा ही कम पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। तो मैं नहीं सोच रहा था ये वीडियो डालूं, फिर भी सोचा कि अब है तो भाई पोस्ट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डाल दूं, क्योंकि 3 पोस्ट है तो क्या होगा, इस कंपटीशन तो चलता है ना। तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए बात करें तो 44 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल। इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में बात करें तो 3 यहाँ था, वाटर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में 44 था। अब सिविल मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट इनके लिए सिर्फ है असिस्टेंट इंजीनियरिंग। ये भी जो लास्ट के जो ये 3 पोस्ट दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। ऊपर के जो 3 पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट लास्ट वाला जो 3 है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 15,000 से स्टार्टिंग होगा, 40,000 के आसपास आपको पे स्केल स्कीम मिलेगी, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा जो छत्तीसगढ़ वाले बंदे होंगे। अप्लाई कैसे करना है, आपको एडवर्टीजमेंट लिंक वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। अप्लाई करने की लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी 10 तारीख से, मैं भी यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। अभी क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, चाहो तो आप उनकी वेबसाइट को सेव करके रखे रहना फ्यूचर के लिए अगर आपको यूज करना हो तो, ठीक है। तो गाइज इनका जो एग्जाम वगैरह होने वाला है, एग्जाम में दो पार्ट में एग्जाम होगा, डिटेल वगैरह आप नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। आपको नोटिफिकेशन ओपन करोगे ना यहाँ क्लिक करके तो मिल जाएगा पूरा डिटेल। यहाँ पे एग्जाम जो होगा माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, काफी अच्छे इनके पे जीके, जनरल नॉलेज, एप्टी रीजनिंग यही सब है, और कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छा है। तो आप क्लिक करके आराम से पढ़ लेना गाइज, अभी मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपको हर चीज डिटेल यहाँ पे बताऊं, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे बोलने में भी, ठीक है। तो बस एक नॉर्मल नोटिफिकेशन है, आप जाकर देख सकते हो। रेल कोच फैक्ट्री से भी एक जॉब आया है, क्या हो गया, ओके। तो रेल कोच फैक्ट्री से रिक्रूटमेंट में देखा जाए तो यहाँ आईटीआई वाले जो भी हमारे भाई लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो लास्ट डेट अप्लाई है 6/2, 6 तारीख को लास्ट डेट है इसका, उससे पहले आप भर सकते हैं, ठीक है। 6 फरवरी को लास्ट डेट है, फॉर्म ओपन हो चुका है, 100 रुपये फॉर्म की फीस है आपको, ठीक है। नो एससी एसटी ओबीडब्ल्यूडी वाले के लिए कोई फीस नहीं है। 6 पोस्ट है यहाँ, 6 तारीख से आपका, मतलब 6 तारीख को लास्ट डेट होगा इसका, ठीक है। मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम 24 साल आपका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th के बाद आपने आईटीआई किसी भी ग्रेड से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप पोस्ट है, टोटल 400 पोस्ट यहाँ पे गाइस निकले हुए हैं, 400 पोस्ट, ठीक है। तो आपको बाकी डिटेल वगैरह जो भी देखना है, इसकी रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये पूरा जो था ये आईटीआई वालों के लिए था, रेलवे जो है अप्रेंटिसशिप है इनके लिए, आईटीआई वालों के लिए।
बाकी की तो जॉब बताया, उसके फॉर्म तो काफी दिन बाद ओपन होंगे। एक का 24 जनवरी से ओपन होगा, जो हमारा तमिलनाडु वाले का है वो 24 जनवरी से ओपन होगा, और जो छत्तीसगढ़ वाले का है वो फरवरी में ओपन होगा। ठीक है, तो आप एक नोटिफिक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये वीडियो, हम एक बार और आपको नोटिफाई कर देंगे जब इसका टाइम आएगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल पे, आप जानते हैं कि जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब निकलता है हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता है। मैं कोशिश करता हूँ जब जल्द से जल्द आपके तक जो भी मैकेनिकल वाले हैं उनकी जो भी जॉब आया जल्द से जल्द आपके आप तक पहुँचाने के लिए। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। गाइज आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो वीडियो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ और भी मेहनत करता हूँ ऐसे जॉब्स को ढूंढने के लिए। तो गाइज एक कमेंट वगैरह तो बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलो, नए हो तो लाइक कर लेना, और पुराने हो तो जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अवेयर हो जाए। तो गाइज बता दे उनको, मार्केट में 4B इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो पहले पढ़ाते थे और अब जॉब अपडेट भी देने लगे हैं, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए। तो हमारा चैनल शुरू से मैकेनिकल के लिए काम करता है और आखिरी तक मैकेनिकल के लिए ही काम करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ।